चलिए आपको टेस्ट करके बताते हैं कितनी मज़ेदार बनी है हमारी चटपटी इजी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन फ्राइड राइस। ये देखिए एकदम परफेक्ट, आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका और चिकन भी अच्छे से कुक हो गया है। बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट बनी है। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी जो बहुत ही क्विक बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। आपको पहले बताती चलो, यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया है मैंने 100 ग्राम और इसे इस तरह से बेसिक इन्ग्रीडियंट्स के साथ मैरिनेट करके रखा है। तो यहाँ पर कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें मैंने ऑयल डाला है 3 to 4 टीस्पून और इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे लेकिन चिकन अच्छे से कुक हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में हम इसे 7 मिनट के लिए पकाएंगे। वैसे तो चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है और बोनलेस है और साथ ही हमने छोटे छोटे पीसेस किए हैं तो आप इसे बीच बीच में स्टर करते रहे और 6 से 7 मिनट तक इसे पका के हम निकालेंगे। चलिए चिकन हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, हम चिकन को बाउल में निकाल लेंगे और ये ऑयल भी निकाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें ऑयल ऐड करेंगे 2 टीस्पून के करीब। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और जैसे ही तेल गर्म हो गया है हम इसमें ऐड करेंगे 2 एग। हल्का सा गर्म होने देंगे, इसमें ऐड करेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट 1/2 टीस्पून और इसे थोड़ा सा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। ये पूरे वेजिटेबल्स के मेरे पास मैंने वो यूज़ के लिए है, आप चिलीज गाजर और कैबेज को बारीक बारीक चॉप करके ऐड करें। ये ऑलरेडी बॉइल्ड वेजिटेबल्स है तो मैं इसे इसी तरह ऐड करूँगी। अगर आप फ्रेश वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो उसे बारीक चॉप कर लें, बॉईल कर लें और फिर ऐड करें। 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे हम इसी तरह। काली मिर्ची ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून, साथ ही सॉल्ट भी इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून। आप सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें कि राइस में भी सॉल्ट होता है और आप अगर ज़्यादा चिकन खाते हैं तो काली मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। चलिए इसे मिक्स कर लेंगे। जब भी आप फ्राइड राइस के लिए राइस बनाएं तो आप मेक श्योर करें राइस एकदम सुनहरा हो, ज़्यादा गला ना हो वरना फ्राइड राइस का लुक ना। तो नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे राइस। थोड़ी सी काली मिर्ची मैंने और ऐड की है और आप इसे राइस के में अच्छे से मिक्स कर ले वेजिटेबल्स को। अगर आप ऑयल भी चाहें तो थोड़ा सा अच्छा डाल सकते हैं ताकि चावल में थोड़ी शाइनिंग रहे। चलिए अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने, ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे चावल टूट जाएगा। फाइनली इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप 1/2 टीस्पून। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे हॉट सॉस, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो आप इसमें स्प्रिंग अनियन भी फाइनल टच में ऐड कर सकते हैं। चलिए इसे चलिए फाइनली इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर। आप चाहें तो इसमें प्याज की पत्ती, स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर सकते हैं। बस इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे।
इसमें डिश आउट करेंगे और डिश आउट करने के टाइम हम इसमें ऐड करेंगे हमारा फ्राइड चिकन और ताकि वो ऑलरेडी कुक्ड है, ओवर कुक ना हो। ये देखिए कितना परफेक्ट बना है हमारा फ्राइड राइस। अभी हम इस पर एग और चिकन डालेंगे तो और भी मज़ेदार हो जाएगा। ये देखिए रेडी हो गई है हमारी फाइनल डिश, टेस्टी इजी एकदम मज़ेदार चिकन फ्राइड राइस रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह हमने बनाई है। बहुत ही आसान रेसिपी है मगर आपको इसे कम्प्लीटली फॉलो करनी होगी मज़ेदार बनाने के लिए, तो रेसिपी को एंड तक वॉच करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में। देखते रहिए हैदराबादी फूड। थैंक यू एवरीवन।